सो हेलो एवरीवन, एम्बिशियस एडवेंचर्स की यूट्यूब चैनल में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनिलोस थ्योरम के ऊपर। तो आप लोगों ने लास्ट दो तीन वीडियोस में मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे मेनिलोस थ्योरम के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेनिलोस थ्योरम के ऊपर एक वीडियो। एम्बिशियस एडवेंचर्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कर रहे हैं बेसिकली KVPY और RMO के लिए मैथमेटिक्स लेक्चर्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में शुरू में ही बता दिया हूँ मैं, कि मेनिलोस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जो है ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे इसका डायग्राम देखेंगे कि मेनिलोस थ्योरम का डायग्राम कैसा है। उसके बाद हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि मेनिलोस थ्योरम का जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, स्टेटमेंट का प्रूफ क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट को आप कैसे मेमोराइज रख सकते हैं। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो इस 5 पार्ट्स में इस वीडियो को मैं डिवाइड किया हूँ और बहुत जल्दी हम लोग एक एक पार्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ, कैसा डायग्राम है मेनिलोस थ्योरम के लिए। तो इसके लिए हम लोग ने एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, सो ABC, और किसी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कोई भी लाइन ले सकते हैं, कोई भी लाइन हो सकता है जो तीनों साइड्स को इंटरसेक्ट करता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो तीनों साइड्स को इंटरसेक्ट करता है। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये AB को इंटरसेक्ट करता है D में, BC को इंटरसेक्ट करता है E में, और AC को इंटरसेक्ट करता है F में। ठीक है, तो अगर कोई साइड को ये इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंड करके जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो वाला पॉइंट ही हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मेनिलोस थ्योरम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमें, कि मेनिलोस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो बेसिकली बेसिक स्टेटमेंट है मेनिलोस थ्योरम को मैं लिखता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। तो मेनिलोस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए लाइन intersects triangle ABC or its extended sides at DEF respectively, then the following holds true। ठीक है, तो बेसिकली हमें कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC और इसे कोई भी लाइन DEF में इंटरसेक्ट करता है इन तीनों साइड्स को, अगर तीनों साइड्स को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसके एक्सटेंडेड साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा, तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट मैं आपको देने वाला हूँ वो ट्रू होल्ड करता है। तो स्टेटमेंट क्या है मेनिलोस थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट, वह मैं आपको अब बताऊंगा। तो स्टेटमेंट कहता है AD/DB इंटू BE/EC इंटू CF/FA इक्वल्स टू 1। तो ये है हमारा स्टेटमेंट मेनिलोस थ्योरम का, जो हमें कहता है AD/DB इंटू BE/EC इंटू CF/FA इक्वल्स टू 1। तो हम लोग थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को पिक्चर में विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग का ये था डायग्राम। तो बेसिकली हमें लेना है AD/DB। तो AD/DB हो गया ये वाला पार्ट। उसके बाद
बी ई जो है ये वाला पार्ट बाई ई सी जो कि है ये वाला पार्ट, उसके बाद है सी एफ मतलब ये वाला पार्ट बाई एफ ए मतलब ये वाला पार्ट। तीन साइडों का रेशियो अगर हम करेंगे तो हम लोग का 1 आएगा। तो इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे ये पार्ट आता है नेक्स्ट पार्ट, कि हम लोग इस थ्योरम को पिक्चर से जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है पिक्चर से नहीं करेंगे, हम लोग सेवर्स थ्योरम को पिक्टोरियली याद रखने का कोशिश किए थे, हम लोग इस थ्योरम को लिख के याद रखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको याद रखना बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका आप याद जो है कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक पहले आपको पता है कि ये रेशियो है तो आपने ऐसे लिख देंगे ए बी, और आपको पता है कि ए बी को डी में इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे डी लिख देंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी, और बी सी को ई में इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे ई लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे फाइनली लिखेंगे सी ए, और सी ए को एफ में इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एफ सी एफ बाई एफ ए। तो आपको इजीली याद हो गया ये थ्योरम कैसे आपको याद रखना है, ए बी लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, और ए बी को जो है इंटरसेक्ट करता है ये, सबसे पहले लिखेंगे ए बी, और ए बी को ये इंटरसेक्ट करता है डी में तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी, तो आपको याद हो जाएगा ए डी बाई डी बी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी और सी, और सी और ए, और आपको पता है कि सी जो बी सी है उस साइड को इंटरसेक्ट होता है ई में तो हम लिख देंगे बी ई बाई ई सी, और सी ए को इंटरसेक्ट होता है एफ में तो हम लोग लिख देंगे सी एफ बाई एफ ए, और ये रेशियो का आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया मेनिलोस थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला और थ्योरम और स्टेटमेंट। तो फाइनली उसके आगे हम लोग जाएंगे और हम लोग इसको एक प्रूफ देने का ट्राई करेंगे, एक अच्छा वाला प्रूफ देंगे हम लोग मेनिलोस थ्योरम को। तो देखते हैं कि मेनिलोस थ्योरम का हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। मेनिलोस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए मैं फिर से एक बार एक डायग्राम बनाऊंगा आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और हम लोग लेंगे कोई भी जनरल लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करता है, डिफरेंट कलर से मैं करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कोई भी लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करता है डी ई एफ में, ए बी को इंटरसेक्ट करता है डी में, बी सी को ई में, और ए सी को एफ में। तो ये हो गया हमारा बेसिक लाइन। हम लोग यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एक कंस्ट्रक्शन। तो आप देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, कंस्ट्रक्ट लाइंस ए ए डैश बी बी डैश एंड सी सी डैश दैट आर परपेंडिकुलर टू लाइन डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी एफ ई। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। तो हम लोग बी से ये लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसका फुट होगा बी डैश, ए से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसका फुट होगा ए डैश, और सी से इस लाइन के ऊपर एक फुट हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसका नाम होगा सी डैश। अब मैं आपको कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और आपको बताना है कि इस दोनों ट्रायंगल्स में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले जो दो ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है ए ए डैश डी और ट्रायंगल बी बी डैश डी। तो मैं आपको यहाँ पे कलर करके दिखाता हूँ कौन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल है हमारा ये वाला ए ए डैश डी, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये वाला जो कि है बी बी डैश डी। ये दोनों ट्रायंगल से अगर आप लोग देखते हैं अच्छा से तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक 90 डिग्री है और एक कॉमन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये वाला। तो इस ट्रायंगल में बेसिकली दो एंगल सेम है, अगर दो एंगल सेम है तो बेसिकली हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बाई ए ए
क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइसाइड सिमिलर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आप देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग कह सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ए डैश बाई बी बी डैश। इसको हम लोग नाम देंगे वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब मैं आपको और दो ऐसा ट्रायंगल दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट जो ट्रायंगल दोनों लेने वाले हैं हम लोग, वो होने वाला है ए ए डैश एफ। तो बेसिकली हम लोग का नेक्स्ट जो ट्रायंगल है वो है ये वाला ए ए डैश एफ और सी सी डैश एफ, मतलब ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है दोनों सेम है, जो है ए एफ ए डैश और सी डैश एफ सी। तो हम लोग उसी से कह सकते हैं सिमिलरली कि ये दोनों ट्रायंगल जो हम लोग बताया अभी आपको, ए ए डैश एफ और सी सी डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है बाय द सेम क्राइटेरियन ए ए। और हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सी एफ बाई एफ ए इक्वल्स टू सी सी डैश बाई ए ए डैश। इसको हम लोग ना देंगे नंबर टू। शायद आपको समझ में आ रहा है हम लोग को किस डायरेक्शन में प्रूफ को ले जा रहे हैं। अब मैं आपको तीसरा पेयर दिखाने वाला हूँ जो कि इस प्रूफ का लास्ट पेयर होने वाला है। तो हम लोग लेंगे बी बी डैश ई। तो बेसिकली हम लोग का जो ट्रायंगल है वो है ये वाला बी बी डैश ई, जो कि है ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, और सी सी डैश ई, जो कि है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सी सी डैश ई। तो ये दोनों ट्रायंगल में आप देखिए क्या सिमिलरिटी क्राइटेरियन बना पाते हैं हम लोग कि नहीं। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था बी बी डैश ई और सी सी डैश ई, इन दोनों में ये वाला ट्रायंगल जो है सी ई सी डैश, ये वाला एंगल जो मैं कलर कर दिया हूँ ब्लू से, सी डैश ई सी, वो कॉमन है। और आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों ट्रायंगल्स बेसिकली ऐसा प्रकार का ट्रायंगल है ई सी डैश सी और बी डैश बी, जहाँ पे एक एंगल जो है वो कॉमन है और यहाँ पे दो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, बेसिकली ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये भी ए ए क्राइटेरियन से सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल बी बी डैश ई और ट्रायंगल सी सी डैश ई, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है बाय ए ए क्राइटेरियन। और इसीलिए हम लोग कह पाएंगे कि बी ई बाय ई सी इज इक्वल्स टू बी बी डैश बाय सी सी डैश। ये हो गया हमारा तीन नंबर इक्वेशन। अब हम लोग लिखते हैं जो तीन इक्वेशन हम लोग ने सबसे पहले लिखा था, जो हम लोग का थ्योर जो हम लोग ने यूज़ करेंगे अब, एक हम लोग का जो था ये वाला, उसके बाद था ये वाला, और तीसरा जो हमें मिला अभी वो है ये वाला। तीनों रिलेशंस को मैं अभी लिखता हूँ फिर से। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें मिला था ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ए डैश बाई बी बी डैश। तो लिखते हैं ए ए डैश बाई बी बी डैश, ठीक है, ओके। अगला जो हमें मिला था वो है सी एफ बाई एफ ए
इज इक्वल्स टू सी सी डैश बाई ए ए डैश, और तीसरा जो हमें मिला वो है बी ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू बी बी डैश बाई सी सी डैश। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आप देखते रहिए। तो इन तीनों जो हम लोगों को मिला है रिलेशन, इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ए डी बाई डी बी इंटू सी एफ बाई एफ ए इंटू बी ई बाई ई सी, ये हम लोग का आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। ए ए डैश बाई बी बी डैश इंटू सी सी डैश बाई ए ए डैश इंटू बी बी डैश बाई सी सी डैश, ये आ गया। तो बेसिकली हम लोग अब इसको देखते हैं क्या है। तो ये वाला पार्ट कट जाता है, ये दोनों कट जाता है और ये दोनों कट जाता है, तो इधर आ जाता है हम लोग का वन। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का क्या आया है। तो इस रेशियो को हम लोग लिखेंगे ऐसे ए डी बाई डी बी, फिर हम लोग लिखेंगे ये वाला रेशियो बी ई बाई ई सी, और हम लोग लिखेंगे ये वाला रेशियो सी एफ बाई एफ ए, और इस साइड में है हम लोग का वन। तो हम लोग ने प्रूफ किया ये वाला स्टेटमेंट। तो अब थोड़ा सा चेक कीजिए क्या है ये। ए बी है ये दोनों साइड और इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है डी में, बी ई है ये दोनों साइड और इसको इंटरसेक्ट करता है ई में, और सी ए है ये दोनों साइड और इसको इंटरसेक्ट करता है एफ में। तो बेसिकली हम लोग का स्टेटमेंट आ गया ए डी बाई डी बी इंटू बी ई बाई ई सी इंटू सी ई बाई सी एफ बाई एफ ए, जो कि है बेसिकली मेनिलोस थ्योरम, और हम लोग ने इसको प्रूफ इजीली कर डाला। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो है प्रूफ इजीली समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से आप इसको एक बार रिप्ले कर सकते हैं पीछे जाकर, तो आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा। हम लोग एक बार फिर से पीछे चलते हैं इसको ओवरव्यू में। तो मैं आपको क्या क्या बताया था इस ओवरव्यू में वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको इस ओवरव्यू में बताया था कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले थे, वो भी हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लोग प्रूफ डिस्कस करने वाले थे, वो भी हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले थे मेमोराइज कैसे आप करेंगे, वो भी लोग कर लिए। और फाइनली आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, और इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलते हैं आगे और करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में बातें। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद वीडियो को हम लोग ख़त्म कर डालेंगे। तो एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मेनिलोस थ्योरम के, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस, इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है। उसका डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको के ई पी आई में, आर एम में बिल्कुल नहीं आएगा, पर के ई पी आई में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वन मार्क्स क्वेश्चन में, जो कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाने वाला हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, कलर में थोड़ा सा इजी वाला कलर लेता हूँ जो समझ में आ जाए। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेनिलोस थ्योरम के ऊपर। इसके लिए मैं आपको एक फिगर बनाऊंगा जो कि ऐसा होगा। ये है हम लोग का फिगर। मैं आपको कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी और टी एस और वी डब्ल्यू पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे मैं आपको लिखने वाला हूँ दो रेशियोज। पहला रेशियो है ए इज इक्वल्स टू पी एस इंटू क्यू बी इंटू आर टी बाई बी आर इंटू टी पी इंटू एस क्यू, और लिखने वाला एक बी वाला रेशियो जो कि होने वाला है जेड वी इंटू एक सेकेंड जेड वी इंटू वाई डब्ल्यू इंटू एक्स सी
एक सी सी बाई एक्स एम, इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे लिखने में, तो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे b वाला रेशियो क्या है, तो b है जेड वी इंटू वाई डब्ल्यू इंटू एक्स सी बाई डब्ल्यू जेड इंटू वी एक्स इंटू सी वाई, और आपको निकालना है a माइनस b का वैल्यू कितना है। तो यह प्रॉब्लम आप थोड़ा सा देख लीजिए एक दो सेकंड, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, थोड़ा सा आप एक दो सेकंड के लिए देख लीजिए इसको। इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन और पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, थोड़ा सा आप जो इसे सोच लीजिए। ओके, सो हम लोग इसे बहुत इजीली जो है सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं क्या है ये पी एस बाई एस क्यू, इसको हम लोग देखिए एक बार, पी एस बाई एस क्यू है, उसके बाद क्यू बी बाई बी आर है, और उसके बाद आर टी बाई टी पी है। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, पी एस कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये हम लोग का सॉल्यूशन आ रहा है, ए इज इक्वल टू, पहले आप जो जिन लोगों ने अगर किया है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, होने वाला है ज़ीरो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे हम लोग, पी एस बाई एस क्यू इंटू क्यू बी बाई बी आर इंटू बी टी बाई टी पी, इसको हम लोग ने ऐसा लिखा, क्यों लिखा आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो देखिए ये कैसा फॉर्म है, पी क्यू उसके अंदर है एस, क्यू आर उसके अंदर है बी, और बी पी उसके अंदर है टी। तो बेसिकली अगर हमें कोई ऐसा ट्रायंगल मिल सकता है जो कि है पी क्यू बी, सॉरी पी क्यू बी, हाँ सॉरी पी क्यू बी है, पी क्यू बी अगर हमका ट्रायंगल हो सकता है, और अगर हमें पी क्यू को कोई पॉइंट एस में इंटरसेक्ट करता है, कोई ऐसा लाइन हमें मिल जाए, और क्यू आर को बी में इंटरसेक्ट करता है, और बी पी को टी में इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग इसको वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं वन। तब थोड़ा सा फिगर में आते हैं, हमें पी क्यू सॉरी मैं थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ लगता है मुझे, हाँ थोड़ा सा मैं गलत लिख दूँ, यहाँ पे बी नहीं है, ये एक्चुअली आर है, आर ये जो आर टी था, आर टी ठीक है, आर टी। तो हम लोग को अगर हमें कोई ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जो कि है पी क्यू आर, जो कि है पी क्यू आर, और जो पी क्यू को इंटरसेक्ट करता है एस में, क्यू आर को बी में, और आर पी को टी में, तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा ट्रायंगल हम लोग को मिल पाता है कि नहीं, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का एक ऐसा ट्रायंगल तो है पी क्यू आर जो पी क्यू को एस में इंटरसेक्ट करता है, क्यू आर को बी में इंटरसेक्ट करता है, और एस्टिमेट एस सॉरी पी आर को टी में इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसा एक लाइन भी है हमारे पास। तो हम लोग इसको डायरेक्टली कह सकते हैं इसका वैल्यू होगा वन। अब देखिए बी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ए का वैल्यू आ गया हम लोग का वन, बी के लिए अब देखते हैं जेड वी बाई वी एक्स है, तो देखिए अब जेड वी बाई वी एक्स मतलब वी एक पॉइंट है, वी एक पॉइंट है जेड एक्स के अंदर, उसके बाद देखिए वाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जेड है, तो देखिए अब वाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जेड है, ये हो गया वाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जेड राइट, जो कि डब्ल्यू में इंटरसेट करता है, एक लाइन है हम लोग का ये वाला लाइन है जो कि इसको डब्ल्यू में इंटरसेट करता है, और फाइनली हमें आना चाहिए एक एक्स वाई रिलेटेड, और यहाँ पे है वो ऐसा भी, तो ये रहा एक सी बाई वो सी वाई, तो ये एक्स वाई को सी में इंटरसेट करना चाहिए, तो ये है एक्स वाई जिसको ये सी में इंटरसेट करता है एक्सटेंडेड पॉइंट, तो हम लोग का ये इसका वैल्यू भी आ जाता है वन बाई वेनिलोस थ्योरम, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वन माइनस वन जिसका वैल्यू होता है ज़ीरो, तो आंसर आ गया ज़ीरो। ये तो बहुत ही एक ईजी प्रॉब्लम था वेनिलोस थ्योरम के ऊपर, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन था, ऐसा क्वेश्चन आपको के ई पी आई में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जिसका हम लोग वेनिलोस थ्योरम से करेंगे, और देखते हैं क्या आता है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग मेनी लॉस थ्योरम से सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूंगा अभी, जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। तो एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, जो ट्रायंगल हम लोग का है ऐसा, ए बी सी, और बी सी का लेंथ हमें दिया है 13। बी सी का जो लेंथ है वो हमें दिया है 13, और हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा और ऐसा। ये जो इंटरसेक्ट करता है पी पॉइंट में, यहाँ पे है डी पॉइंट, यहाँ पे है ई पॉइंट, और हमें दिया गया है बी सी इक्वल्स टू 13, बी डी इक्वल्स टू 10, सी ई इक्वल्स टू 15। और आपको निकालना है कुछ, क्या निकालना है आपको? निकालना है ए बी सी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। और सिंपली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना होगा। ये भी एक मेनिलोस थ्योरम का प्रॉब्लम है, आप 2 मिनट सोच लीजिए और मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेनिलोस थ्योरम के एप्लीकेशन के अंदर। तो इस थ्योरम का ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, जिसे आप सोच सकते हैं। इस प्रॉब्लम का एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं मेनिलोस रिडल। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, और शायद मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और आप थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत ही ईजी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका बी सी का लेंथ दिया गया है, बी डी का भी लेंथ दिया गया है, और सी ई का भी लेंथ दिया गया है, और आपको निकालना है ए बी सी का पेरीमीटर, जो कि है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो मैं सोचता हूँ इसको जो सॉल्यूशन है, मैं थोड़ा ही देर में, मतलब अगला वीडियो में शायद मैं इसको दूंगा। ये आप सोच सकते हैं अगले वीडियो तक, और अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दे दूंगा, और ज़रूर दूंगा, सबसे पहले ही दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन तो पता है, पर शायद आपको नहीं करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और आप अगर ये कर पाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा होगा, ये आप अच्छा से समझ जाएंगे मेनिलोस थ्योरम को। तो हम लोग चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है आपका तीसरा प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन मैं आज ही आपको दे दूंगा। 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको तो ज़रूर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यह जो प्रॉब्लम है, मुझे टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सोच सकते हैं। 3 नंबर प्रॉब्लम, इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है, और बहुत लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पहले भी देखा होगा, और आपने बहुत सारा मेथड अप्लाई किया होगा, पर अगर आप मेनिलोस थ्योरम से करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ऐसा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और बेसिकली एक ऐसा दिया गया है फिगर, और आपको निकालना है, कुछ नाम भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ डी, इसका नाम दे देता हूँ मैं ई, इसका नाम दे देता हूँ मैं पी, और आपको बेसिकली निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जो कि है ये वाला क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कलर, तो ये है बेसिकली क्वाड्रिलेटरल, जो कि है ए डी ई पी, जिसका आपको निकालना है एरिया कितना होगा, और आपको कुछ डाटा भी तो जरूर दिया होगा, जो ऐसा है कि डी पी बी एरिया का एंगल एरिया है 6, बी पी सी का एरिया है 6, और ई पी सी का एरिया है 4, और डी बी पी का एरिया है 3। तो आपको निकालना है इस पार्ट का एरिया क्या होगा।
तो प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी ई एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी विथ ई एंड डी लाइंग ऑन ए सी एंड ए बी, given that the area of triangle, given that the area of triangle DBP is equals to 3, BPC equals to 6, EPC equals to 4, find the area of quadrilateral ADPE. तो यह क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन शायद बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ज्योमेट्रिक से लेके क्वेश्चंस करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और अब थोड़ा सा सोच लीजिए एक मिनट तक और मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा बहुत ही जल्दी। तो मैं एक थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसका मैं नेम जो है पी से ओ कर देता हूँ, जस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ओ, और ये भी ओ, ये भी ओ, ये भी ओ, ये भी ओ, और ये भी ओ। बेसिकली पी को मैं ओ में नाम जस्ट चेंज किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, पी का जो नाम था उसको मैं ओ कर दिया हूँ। तो ये वाला प्रॉब्लम आप सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ एक, तो ट्राई करते हैं इसका सॉल्यूशन बनाना। मेरा भी बहुत दिन पुराना हो गया है एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, फिर भी एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करने का मन कर रहा है कि DE को ज्वाइन कर देने का, तो मैंने ये कंस्ट्रक्शंस करने का मन कर रहा है तो मैंने कर दिया इसका कंस्ट्रक्शंस। और जिसके एरिया निकालना है उसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, तो मैंने कलर कर दिया इसका एरिया। और इसका जो बेसिकली जिसका साइड जो बेसिकली सॉरी एरिया था उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये था 3, ये था 6, ये था 4, इसका एरिया मैं ले लेता हूँ x और इसका एरिया मैं ले लेता हूँ y, और करते हैं कुछ कमाल की चीज़ें। तो देखिए अगर कुछ हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, BE इसको हम लोग एक बेस लेते हैं, अगर हम लोग BE को एक बेस लेते हैं, ये वाला बेस BE को हम लोग बेस लेते हैं, तब दो ट्रायंगल देखिए, दो जो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, एक है BOD, ये वाला ट्रायंगल BOD और EOD, ये दोनों ट्रायंगल आप देखिए, ये दोनों ट्रायंगल ही BE एज अ बेस है और इन दोनों ट्रायंगल का हाइट तो सेम ही है, ठीक है, जो कि है D से लेके ओ तक, तो ये है इस ट्रायंगल का हाइट, जो दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ द एरिया होगा रेशियो ऑफ द बेसिस। तो ये आपको शायद पता होगा, इफ टू ट्रायंगल्स हैज सेम बेस एंड हाइट, सेम बेस नहीं कॉमन बेस लिखना चाहिए, कॉमन बेस and height, then ratio of areas is the ratio of bases। ये तो एक बहुत ही पुराना जो है एक
थ्योरम है, एक बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल, ठीक है, तो आपको शायद पता है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग बी ओ डी का एरिया बाई ई ओ डी का एरिया होगा बी ओ बाई ई ओ, और जो कि है 3/x इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ई ओ। ये हम लास्ट में काम में लेंगे, हम लोग इसे यूज़ कर लिए। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे बी ओ सी जो पार्ट है, एक सेकेंड, हाँ, तो बी ओ सी जो पार्ट है ये वाला ट्रायंगल, और ई ओ सी जो पार्ट है ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी बी ई बेस की कॉमन बेस के ऊपर है, और इन दोनों ट्रायंगल्स का भी जो है हाइट जो है सेम है, दोनों ट्रायंगल्स का हाइट सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए आप बी ओ सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ओ सी इज नथिंग बट बी ओ बाई ई ओ। इट इम्प्लाइज दैट इन दोनों के रेशियो के एरिया हमें पता है 6/4 इज नथिंग बट बी ओ बाई ई ओ, ये हम लोग का पता चल गया। अब हम लोग इन दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों तरफ ही बी ओ बाई ई ओ है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 3/x इज नथिंग बट 6/4, और यहाँ से हम लोग का निकल गया x इक्वल्स टू 2, जो कि हमें एक पार्ट का एरिया जो है निकल गया, ठीक है, ओके। तो हम लोग को जो है x का वैल्यू जो है हमें पता चल गया है, जो कि है नथिंग बट 2। तो इस पार्ट का एरिया हमें निकल गया है 2, हमें आपको y का एरिया निकालना है। तो y के लिए हम लोग एक सिमिलर मेथड करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिए थे बी ई को बेस, अब हम लोग लेने वाले हैं ए बी को बेस। तो बेसिकली ये वाला बेस लेंगे हम लोग ए बी, ए बी बेस लेके देखिए आप, इसके ऊपर भी हमें दो ट्रायंगल्स मिलता है, एक ट्रायंगल है ए डी ई जो कि है ये वाला ट्रायंगल ए डी ई जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ग्रीन, यह है एक ट्रायंगल, और एक दूसरा भी ट्रायंगल है यहाँ पे जो कि है बी डी ई जिसको मैं कर रहा हूँ एक पिंक रेड कलर, बी डी ई वाला ट्रायंगल, तो ये रेड कलर कर दिया मैं, डीप रेड जो कलर है, ये दोनों ट्रायंगल भी सेम बेस के ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को लिखेंगे ए डी ई बाई, मैं इसको पिक्चर के साइड में लिख रहा हूँ तो आपको समझ में सुविधा होगा, ट्रायंगल ए डी ई बाई बी डी ई, ये क्या है ए डी ई बाई बी डी ई, इन दोनों के एरियो का रेशियो है नथिंग बट वाई बाई 5, और ये दोनों साइड का रेशियो होगा ए डी बाई डी बी, और ए डी बाई डी बी बेसिकली है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बाई बी डी सी। तो ए डी सी हम लोग अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए आप, इसको एक थोड़ा सा कलरफुल कलर करता हूँ, तो ये वाला ले रहे हैं हम लोग ए डी सी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है, तो देखता हूँ यहाँ पे कोई दूसरा कलर में ले पाता हूँ कि नहीं, तो ये वाला कलर शायद आपको समझ में आएगा, हाँ ये वाला कलर आपको समझ में आएगा। तो हम लोग ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और जो बाकी वाला पार्ट है ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये 3+6 मिला कर जो ट्रायंगल है बी डी सी। तो वो दोनों ट्रायंगल्स भी ए बी साइड के ऊपर है, और दोनों का समझ में आ रहा है
जो है हाइट सेम है तो उसका रेशियो भी होगा ए डी बाई डी बी। अब ए डी सी का एरिया, ए डी सी का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। तो ए डी सी का एरिया हम लोग यहाँ पे लिखे थे इसका वाई, तो ए डी सी का एरिया है 4 + 2 + y, तो 4 + 2 + y बाई बी डी सी, बी डी सी जिसका एरिया 3 + 6 = 9, तो हम लोग यहाँ पे लिख दें 9, 3 + 6 लिखता हूँ मैं आपको समझ में आएगा तब, 3 + 6 ठीक है। और इस ट्रायंगल में हम लोग अगर लिखते हैं ए डी ई, ए डी ई मतलब होता है y, और बी डी ई इसका मतलब होता है 3 + 6, बी डी ई सॉरी इसका होता है 3 + 2, बी डी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ डीप, ये वाला ट्रायंगल इसका है 3 + 2 = 5। तो ये दोनों रेशियो भी सेम है, तो इसका आता है 6 + y / 9 और यहाँ से आता है y / 5, तो ये दोनों रेशियो बिल्कुल सेम है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 + y / 9, 6 + y / 9 है हम लोग का इस तरफ, और इस तरफ है y + y / 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे = y / 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा ये, जहाँ से हम लोग को आएगा ये, और जहाँ से हम लोग का आएगा ये। तो y का वैल्यू आ गया 7.5, x का वैल्यू पहले से मिला था 2, इन दोनों से हम लोग कह सकते हैं x + y का वैल्यू है 9.5, जो कि है इस क्वेश्चन का आंसर। और आपको पता चल गया इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यह है एक सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं इसको मेनिलोस थ्योरम से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनिलोस थ्योरम से हम लोग, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हटके चीज, तो अब थोड़ा सा इसे देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ। तो हम लोग ने इसको थोड़ा सा एरिया एरिया लेके और यू नो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने का कोशिश किए हैं, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये मेथड तो बड़ा था, तो अगर हम इसे मेनिलोस थ्योरम से सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो है ए बी सी, और यहाँ पे आ गया बी ई, और यहाँ पे आ गया सी डी, और मैं आपका कुछ लिख देता हूँ। ये वाला एरिया आपको निकालना है, इसको हम लोग नाम देते हैं पूरा का एरिया एक्स, ये था 3, ये था 6 और ये था 4, और देखते हैं हम लोग कैसे कर पाते हैं। आपको पता है ए डी बाई बाई मेनिलोस थ्योरम, ए डी बाई डी बी इंटू बी एफ बाई एफ ई इंटू CE by EA, sorry, CE by CA, basically this is EC, EC by CA equals to 1 for triangle AB E. So my triangle is ABE and my line is, this is my left line, this line is my line for triangle ABE, ये मेरा line है जिसको मैं AE side को extend करके बनाया हूँ। हम लोग बहुत easily मेनिलोस थ्योरम apply करके इसका answer निकाल लेंगे। ए डी बाई डी बी इज x + 4 / 3 + 6 = x + 4 / 9, फिर बी एफ बाई एफ ई
बी एफ बाई एफ ई सिक्स बाई फोर एंड ई ए बाई सी ए ई सी बाई सी ए दिस इज दिस वन ई सी बाई सी ए ई सी दिस इज टेन आई मीन सिक्स प्लस फोर by CA that is 6 plus 4 plus 3 plus X so applying Menilo's theorem X plus 4 by 9 into 6 by 4 into 10 by this is 10 13 plus X equals to 1 so simply solving this is 2 2 2 3 3 3 2 5 this is 5x plus 20 is equals to 39 plus 3x that counts to 2x equals to 19 9.5 which is the answer. If we solve by the bigger method, I got the answer 9.5. And we solve this so short, and I got the answer 9.5. And we did this by, you know, the Menilo's theorem, which is this. I have found an appropriate triangle, which is ABE. And I have found a line, I have applied this theorem, and I've got the answer very less time. In very less time, I've got the answer. So, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इस वीडियो लेके आता रहता हूँ. चैनल को सब्सक्राइब कर and press the bell icon. Bye. Next video on PGM hole principle.